Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। बिहार का होगा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, आठों दिशा आठों पहल। ये मैं नहीं, प्लूरल्स पार्टी कह रही है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ मानसी। दरअसल प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने आज अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। पुष्पम पारंपरिक राजनीति और राजनेताओं से काफी अलग हैं और उतना ही अलग है उनका मैनिफेस्टो। आठों दिशा आठों पहर के शीर्षक के साथ प्लूरल्स पार्टी ने अपने इस मैनिफेस्टो में 2030 तक सालाना 8 लाख सरकारी और 80 लाख प्राइवेट नौकरी देने की बात कही है। अब ये कैसे होगा इसके बारे में उन्होंने 8 पॉइंट्स में बताया है। 8 डेवलपमेंट जोन में बिहार का विकास, प्रत्येक डेवलपमेंट जोन में 8 औद्योगिक जोन की स्थापना, कृषि को उद्योग का दर्जा देना, चौथा हर जोन में 1 लाख स्टार्टअप, कृषि उद्योग आईटी फाइनेंस संबंधित, पांचवा हर जोन में फ्लड एंड इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम, छठा प्रत्येक जोन में लर्निंग के 8 स्टेट ऑफ द आर्ट शिक्षा केंद्र, सातवां प्रत्येक वार्ड एवं पंचायत में 8 बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, और आठवां गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को जीवन की 8 बुनियादी सुविधाएं। इसके अलावा उन्होंने प्लूरल्स के शासन में बिहार में आदर्श राजधर्म की स्थापना की बात भी 8 पॉइंट्स में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि नौकरशाही की कार्य प्रणाली और सोच दोनों में बदलाव करेगी अगर उनकी सरकार आ जाती है। सरकारी सेवाओं में संविदा, एडहॉक, दैनिक कर्मी के साथ भेदभाव का जो है वो खात्मा उसका करेगी और सभी कर्मियों को स्थायी राज्य कर्मी बनाकर सामान्य कार्य के बदले समान वेतन देगी, जिनका न्यूनतम वेतन 26,000 और न्यूनतम पेंशन 2600 रुपये होगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट उन्होंने जो लिखा है वो ये है कि पुलिस व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और क्राइम रिस्पॉन्स टाइम में सुधार किया जाएगा। शिक्षा को लेकर प्लूरल्स का लिखना है कि कॉमन स्कूल सिस्टम और शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, नेताओं और अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा, शिक्षकों की ट्रेनिंग के साथ कोई समझौता नहीं होगी और शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर उठाया जाएगा। हेल्थ रिफॉर्म में वाले मुद्दे पर इन्होंने लिखा है, प्रत्येक परिवार के लिए एक निर्धारित डॉक्टर होगा, 24 घंटे एम्बुलेंस की उपलब्धता होगी, 5 मिनट रिस्पॉन्स टाइम किया जाएगा और दवाइयों को फ्री में बांटा जाएगा। पांचवा पॉइंट है शराबबंदी का खात्मा। अगर प्लूरल्स की सरकार आती है तो शराब सिर्फ वयस्कों को उपलब्ध करवाई जाएगी और अगर शराब पीकर किसी तरीके का क्राइम किया जाता है जैसे घरेलू हिंसा, ड्राइविंग या फिर मनमानापन, तो उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी। छठे पॉइंट में लिखा गया है कि वीआईपी सुविधाओं का अंत होगा, जैसे सरकारी बंगले, भवन, गाड़ियां, बॉडीगार्ड, इन सभी सुविधाओं का अंत किया जाएगा और किसी प्रकार के सरकारी दिखावे और रौब पर कठोरतम कार्रवाई होगी। सभी शहरों, गांवों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों, इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर, गली मोहल्लों में, चाक चौबंदों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी ताकि अपराध का खात्मा हो सके, खासकर महिलाओं के प्रति। आखिरी पॉइंट में लिखा गया है कि सरकारी और पब्लिक सेवा में रत्ती भर का भी भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी ऐसा करते पकड़ा जाता है उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि क्या प्लूरल्स अपने इस मैनिफेस्टो से बिहार के वोटरों को साध पाती है। आप देख रहे थे बिहार तक। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।